हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवर ऑफ शास। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल तरीके से फेफसा तवा फ्राई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, मगर खाने में जो है बहुत ही मजेदार लाजवाब सी बनकर तैयार होती है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। मैंने एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले जो है हम फेफसा फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर जो है मैंने एक जो है पूरा बकरे का जो है फेफसा लिया है, जिसे जो है ऐसे छोटे छोटे जो है पीसेस में मैंने 1 इंच के पीसेस में कट कर लिया है। बता दूंगे इसके साथ में हम इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून। यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर ली है, यह हम इसमें डाल देते हैं। और 1/2 टीस्पून यहाँ पर जो है मैंने हल्दी पाउडर ली है, यह हम इसमें डाल देते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पर फेफसे को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब जो है 1/2 कप हम इसमें पानी डालेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें तेल डाल देंगे, बहुत ही मामूली सा। इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। चीजें हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर ली है। अब बिना ढके जो है इसमें एक अच्छा सा बढ़िया सा जो है उबाल आने देते हैं। देख सकते हैं एक बढ़िया सा जो है उबाल आ चुका है। अब जो है हम हमारी फ्लेम को बिल्कुल लो कर जो है ढककर 15 से 20 मिनट के लिए इसे जो है अच्छी तरीके से उबाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी जो है पूरी तरीके से सूख चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो है तेल जो है हमारा बढ़िया तरीके से आप देख सकते हैं रिलीज हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फेफसा भी जो है हमारा कितनी बढ़िया तरीके से जो है बॉईल हो चुका है। अब जो है हम हमारी फ्लेम को बंद कर देते हैं। फेफसा जो है हमारा अच्छी तरीके से उबल चुका है। अब यहाँ पर जो है मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है। सबसे पहले जो है 1 टेबलस्पून हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब जो हमने फेफसे को जो है उबाल कर रखा है, यह हम इसमें डाल हाई फ्लेम पर जो है इसे चलाते हुए जो है हम 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमारे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बढ़िया सा जो है हल्का सा ब्राउनिश कलर जो इसमें आ चुका है, हमें ऐसे ही चाहिए। हम हमारी गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। यहाँ पर जो है बढ़िया सा हमारा फेफसा फ्राई बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मजेदार सा जो है हमारा फेफसा तवा फ्राई बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप जो है इसके ऊपर जो है इसके अलावा नींबू भी निचोड़ कर खा सकते हैं, और हल्का सा जो है चाट मसाला भी आप छिड़क कर जो है इसे जो है खा सकते हैं। इस तरह खाने से जो है इसका मजा जो है और जो है जायका बढ़ जाता है। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी और आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। अपना खूब सारा ख्याल रखें।